श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स कैसे मापा जाता है, कैसे नापते हैं इसको। तो इसको हम नापते हैं कि BMI इज इक्वल टू वजन डिवाइड बाय कद बाय कद, जहां वजन किलोग्राम में हो और कद मीटर में। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कद आपका 1.65 मीटर है और वजन अगर 75 किलोग्राम है, तो BMI होगा 75 डिवाइड बाई 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.65, जो होगा बराबर 27.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 27.5 kg स्क्वायर मीटर। अभी पाउंड में अगर मापना हो तो BMI इज इक्वल टू वजन डिवाइड बाई कद इंटू कद मल्टीप्लाइड बाई 703, जहाँ वजन पाउंड में हो और कद इंच में हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कद 65 इंच है और वजन 165 पाउंड है, तो BMI इज इक्वल टू 165 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 703, जो आपका आएगा 27.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अभी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं जो चर्बी से संबंधित है। समान BMI होने पर भी पुरुषों के अनुपात में औरतों में अधिक चर्बी होती है, और समान BMI होने पर भी युवा के अनुपात में वृद्ध में अधिक चर्बी होती है, और खिलाड़ियों में भी अधिक BMI होता है क्योंकि उनमें अधिकांश मांस होता है। कुछ अन्य बातें भी हैं, जैसे वजन संबंधित बीमारियों के लिए BMI के अलावा अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि कमर की चौड़ाई, क्योंकि पेट में चर्बी होने से मोटापा संबंधित बीमारियां अधिक होता है। फिर दैनिक शारीरिक क्रिया, जो आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, और उक्त रक्षा मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।